मेरी सरकार पता किन्ना दे बच्चे किन्ना दी अंश वंश है। गुरु नानक पातशाह जी दे तीजे स्वरूप तन तन श्री गुरु अमरदास जी। बाबा मुराद शाह जी दे डेरे विच होई गल, अपने गुरुआं दा अपमान करन दी कदे भी नहीं हो सकदा। हाँ, मैं इस गल का जिक्र किया कि गुरु नानक पातशाह जी महाराज जी के तीसरे सबूत श्री गुरु अमरदास जी महाराज भले परिवार पैदा हुआ और मेरे साईं जी भी नकोदर विखे भले परिवार पैदा हुआ। गुरदास मान पहला सिख संगत दे दिलां नूं ठेस पहुंचाउण दा ऊल जलूल बयान दिंदा, फिर उस तों बाद माफियां मंगण वाले नूं हो जांदा। बीते दिनी लाडी शाह दे डेरे ते नकोदर विखे उसने लाडी शाह नूं श्री गुरु अमरदास जी दी पीढ़ी विचों दस्या सी, जिस तों बाद सिख संगत दा गुस्सा सत्तवें आसमान ते पहुँच गया अते गुरदास मान दा विरोध होण लग्या। हुण गुरदास मान ने अपने फेसबुक पेज ते वीडियो सांझी करके माफ़ी मंगी आ। की कहना गुरदास मान दा, आओ सुणदे आ। श्री गुरु नानक पातशाह जी दे प्यारे गुरमुखो, बाबा मुराद शाह जी दे डेरे विच होई गल, अपने गुरुआं दा अपमान करन दी कदे भी नहीं हो सकती, क्योंकि संत का निंदक महा अताई, संत का निंदक खिन टिक न पाई, संत का निंदक महा हथियारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। गुरु साहिबाना दी किसे नाल तुलना नहीं हो सकती। हाँ, मैं इस गल दा जिक्र कीता सी कि गुरु नानक पातशाह जी महाराज जी दे तीसरे स्वरूप श्री गुरु अमरदास जी महाराज भले परिवार दे विच पैदा हो और मेरे साईं जी भी नकोदर विखे भले परिवार दे विच पैदा होए। हाँ, एक गल मैं जरूर की है, मगर गुरु साहिबाना की तुलना किसी नाल भी नहीं हो सकती, क्योंकि वह सतगुरु ने, परम सतगुरु ने, आदि गुरु ने। उन्हों का अपमान किस तरह हो सकता, मैं सोच भी नहीं सकता। और मेरे वालों कही हुई गल किसी के दिल विच भी गलती नाल भी कोई ठेस पहुँचा गई हो, मैं उस लई 100-100 बारी माफ़ी मंगा। और अपना ख्याल रखना, सेहत तंदुरुस्ती परमात्मा बनाई रखे, एक का इतफाक मुहब्बत बनाई रखे। उधर एस जी पी सी प्रधान बीबी जगीर कौर नाल जदों गुरदास मान के मुद्दे से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि गुरदास मान तो पहला ही गुरु नूं नहीं मानता, उन्हें गुरुआ की रहत मर्यादा बारे की सोचना, जबकि बीबी जी ने गुरदास मान से कोई भी कार्रवाई किए जाने की गल ही नहीं आखी। ਉਹਦਾ ਕੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੀਰ ਦਾ ਮੰਨਦਾ ਜਿਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।